हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैं आज का ब्लॉग भी स्टार्ट कर रही हूँ। और आज है 10 तारीख। जैसे कि मैंने कल मेहंदी वाला ब्लॉग आपने मेरा देखा होगा, ये देखो मेरी मेहंदी अभी इतनी डार्क हो गई है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो कल ही रात मैंने नेल पेंट भी लगा ली थी। सो गाइस, आज है मेरी एनिवर्सरी, तो मेरी एनिवर्सरी को हो गए 5 साल कम्प्लीट, अब 6ठा साल चलेगा। तो मतलब पता ही नहीं चला इतने हंसते गाते कब ये 5 साल बीत गए मतलब। और सो गाइस, आज का मौसम भी शानदार नहीं हो रहा है, आज पूरा बादल लगे हुए हैं, क्योंकि मेरी शादी के जिस दिन मेरी डोली आई थी ना, उसकी रात को इतनी तेज़ बारिश हुई थी, मतलब पूरा आंधी तूफान हर वैसे ही मुझे लग रहा है कि आज भी ऐसी ना हो जाए। और खैर, आज तो मेरी शादी थी, कल आई थी मेरी डोली 11 तारीख को, तो बहुत ज़्यादा आधी तूफान आ गया था। और यहाँ अभी का मौसम भी पूरा सड़ गया है। अभी मैं तुम्हें दिखाती हूँ ना कैसी कश्मकश चल रही है सूरज देवता की और बादलों की। ये देखो, ये देखिए, वहाँ से पूरे बादल लगे हुए हैं ना, तो सूरज देवता भी आने को तैयार है लेकिन आ नहीं पा रहे क्योंकि बादलों ने पूरा घेरा हुआ है उन्हें। और ये देखो बाहर का मौसम भी पूरा ऐसा अजीब सा हो रहा है। तो गाइस, सुबह का नाश्ता हमारा हो चुका है, अभी बज रहे हैं 10। तो आजकल हम जल्दी ब्रेकफास्ट वगैरह जल्दी कर दे रहे हैं, तो अब मैं सोची कि पूरा दिन भर में क्या क्या होता है। शायद मम्मी के साथ मासी वो आएंगे, क्योंकि कल पारस का बर्थडे था, मतलब मासी के बेटे का बर्थडे था, तो मम्मी लोग वहाँ गए थे, तो उन्होंने सोचा शायद कि हम भी आ जाएं इधर आज, तो वो आएंगे, तो शायद नहीं, अभी कंफर्म ही है कि हम कढ़ी चावल बनाएंगे आज और दिन में है ना लंगर वाला फील लाएंगे। और सो गाइस, बनी रही है मेरे साथ ब्लॉग के एंड तक। आपको मेरी मेहंदी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार, है ना, बहुत ही शानदार लगी है। और चलिए देखते हैं फिर क्या क्या होता है आज दिन भर में, तो बनी रही गाइस। बज रहे हैं अभी 11:30 और हमारी कढ़ी रखी दी है मैंने, और रूपाली बना रही पकौड़े मेरी देवरानी। और मैं कहता था मैं कपड़े जो मैंने मशीन में लगाए थे वो डाल देती हूँ बाहर, है ना, चाहे एनिवर्सरी हो चाहे बर्थडे हो चाहे रोज़ वाला डेली वाला काम तो करना ही पड़ता है यार। सो गाइस, अभी फटाफट से कपड़े रखते हैं और मौसम तो इतना खुल नहीं रहा है। मम्मी गई थी मासी के घर, तो आई नहीं थी, तो मम्मी गई थी वहाँ तो बारिश होने लगी है, अभी इतना दूर भी नहीं है कि उधर साइड बारिश हो रही है, इधर साइड तो अभी थोड़े हल्की फुल्की धूप आ रही है, कभी बादल लग रहे हैं, ऐसी हो रहा है मौसम का, दोनों का गड़बड़ हो रहा है। यहाँ मेरे सारे कपड़े डल चुके हैं, मेरे तो कम छानवी के ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े सारे। तो गाइस, अभी हमारा लंच डन हो चुका है और मुझे अभी पता चला कि आज टेडी डे भी है। तो 5 साल पहले मुझे मिला था एक बहुत ही टेडी बियर, इतना बड़ा सा दिखा दूंगा आपको अभी, क्या आपको भी मिला मुझे कमेंट में बताओ यार। मुझे मिला था इतना बड़ा टेडी बियर, ये मेरी शादी के टाइम का है। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आ चांद निकला, मेरा पिया घर आया, ओ राम जी, मेरा पिया घर आया, ओ राम जी। टंटना और इसमें है स्प्रिंग रोल और चटनी, रेड चटनी, हरी चटनी और चाय। सो गाइस, कल वाला ब्लॉग मेरा बहुत ही शान मतलब दिन बहुत ही शानदार रहा। मेरे हस्बैंड पहले आने रहे थे लेकिन बाद में वो आ चुके थे और उनने हमें सरप्राइज़ दिया, लेकिन बहुत ही मज़ेदार रहा। मैं बाद में शूट भी नहीं कर पाई कोई चीज़, और हमने बहुत सारे रील्स बनाए। और अगर किसी को मेरी इंस्टाग्राम आईडी तो सोनी हंडा करके डालोगे तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ जाएगी। और बहुत ही मज़ेदार, हमने बहुत मज़े किए, मतलब डांस वगैरह, तो मैं किसी चीज़ की वीडियो नहीं बना पाई, मैं जो भी मेरा सुबह का था वही बना पाई मैं बस। और तो इसलिए अब मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें और ना ही आप कुछ कर सकते हो। तो बस आज मैं सोचूंगी कुछ नया वीडियो में लाऊं, और अगर मुझे कहीं से अपना थोड़ा बहुत वो मिला कि वीडियो फ़ोटो किसी ने क्लिक की होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। और बहुत सारे मुझे गिफ्ट भी मिले हैं, उसका मैं अलग से ब्लॉग डालूंगी। सो गाइस, ये वाला ब्लॉग मैं यहीं तक रखना चाहूंगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।